XML क्या होता है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ XML के बारे में। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों XML की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। अपने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था HTML क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं HTML जानने के लिए। HTML XML काफी मिलता जुलता नाम है। नेट HTML जो होता है वो लैंग्वेज है वेब पेजेस राइट करने के लिए। वेब पेजेस HTML का यूज करके लिखे जाते हैं, लेकिन HTML के अंदर जो टैग्स होते हैं वो फिक्स टैग्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं XML की, तो XML इज अ लैंग्वेज विच इज प्राइमरली यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा। आप ज्यादातर वेबसाइट पे XML, वैसे कोई वेबसाइट राइट करने के लिए लैंग्वेज नहीं है, इसका XML का काम सिर्फ इतना है कि ये डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, डेटा को ट्रांसफर कर सकती है, या फिर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसको एज अ कैरियर यूज करा जाता है। सो XML बाय इटसेल्फ डज नॉट डू एनीथिंग। सो जैसे कि HTML के बारे में आपको मैंने अपने एक वीडियो में बताया, PHP के बारे में मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ टास्क परफॉर्म करती हैं, लेकिन XML का जॉब सिर्फ एक कैरियर की तरह है। अपने आप में ये कुछ नहीं करती है, ये किसी और दूसरे लैंग्वेज से बात नहीं करती है, किसी डेटाबेस से बात नहीं करती है, ये क्या करती है, सिर्फ डेटा को स्टोर करती है। तो आप यूं कह लीजिए, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, कि ये एक कैरियर है, एक एनवेलप है जिसके अंदर आपने डेटा डाल रखा है और फिर उस एनवेलप में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं ये कहूं तो ये समझने के लिए काफी है। और इसकी जरूरत हमको पड़ सकती है, मान लीजिए कि हमको एक वेब पेज पे कुछ डेटा दिखाना है। मान लीजिए हमको, जैसे कि अभी आपने किसी जॉब में अप्लाई किया, उस जॉब का रिजल्ट ऑनलाइन आ गया। रिजल्ट कैसे आया, उन्होंने एक वेबसाइट पे एक चार्ट दिखा दिया जिसमें 1000 कैंडिडेट्स हैं, उनका रिजल्ट पास फेल दिख रहा है। तो ये डेटा किसी डेटाबेस से आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे वो जो वेबसाइट है डेटाबेस से वो डेटा उठा रही है XML के जरिए। तो एक XML उन्होंने या फिर हो सकता है अपलोड कर रखा हो उस वेब पेज पे उस डेटा को स्टोर करने के लिए। XML का फायदा यह है कि इसमें आप अपने टैग्स खुद लिख सकते हैं। जो भी आप वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन लिखते हैं या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन तो आप को अगर इंटरनेट पे या फिर अपने सिस्टम पे कोई इंफॉर्मेशन यूज करनी है, एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, यू हैव टू मेक श्योर कि इट ओनली गोज एट द राइट प्लेस। फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है जहां पे एक कॉलम है नेम, उसमें बहुत सारे नेम्स हैं। अब आपको वो डेटा एक दूसरे मान लीजिए वेबसाइट पे या फोल्डर पे डालना है, आप ये चाहेंगे कि वो जो नेम के अंदर जितनी भी सारी वैल्यूज हैं वो दूसरी जगह भी वो सारी वैल्यूज नेम के अंदर ही जाएं, राइट, और कहीं ना जाएं। आप चाहेंगे कि ये ऑटोमेटिकली हो जाए, जो कॉलम है वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलम के अंदर ही जाए। तो ये कंट्रोल किया जाता है XML के जरिए। XML में आप अपने टैग्स बनाते हैं, आपने नेम का एक टैग बना दिया और फिर नेम के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वहां पे दूसरी जगह जाके अपने डेस्टिनेशन में जाके उस पर्टिकुलर नेम फोल्डर को ढूंढेगा और उसकी सारी वैल्यूज उसके अंदर डाल देगा। इसके अंदर आप अपने खुद के टैग्स बनाते हैं। HTML में सारे के सारे फिक्स टैग्स होते हैं, बॉडी हेडर, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, आपको जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो उसी में डालनी है। लेकिन यहां पर XML के अंदर आप अपने टैग्स खुद बना सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है उसको डाल सकते हैं। तो नेट Without getting into more deeper technicalities, क्या होता है XML? Simple, it's a language used to store and transfer data from one place to another. Simple. उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियोज बनाता रहता हूं। मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।